वैसे विद्या जी, आप इतना अच्छा कैसे गा लेती? अंतरा की वजह से। सच आदित्य, मैं तो गाना ही भूल गई थी। अगर अंतरा ना होती तो शायद मैं कभी नहीं गा पाती। विक्रम ने बहुत फोर्स किया, इसीलिए मुझे गाना पड़ा। पर मैं इतनी घबराई हुई थी, बहुत सालों के बाद स्टेज पे जा रही थी ना। तो फिर तू गई स्टेज पे? हाँ, और गाना गाते गाते बीच में ही रुक गई। फिर क्या हुआ? फिर अपनी माँ का साथ देने के लिए अंतरा स्टेज पर आ गई और बाकी का गाना पूरा गा दिया। अंतरा ने गाना गाया? बोल तो पाती नहीं है वो, गाना गा लेती है, पर कैसे? भाभी, आरती। अरे तू कब आई? मैंने देखा ही नहीं। अरे बैठो ना, बहुत सारी गप्पे मारेंगे। अरे बैठ ना, बैठ, बैठो ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बैठो। हाँ, आरती, क्या बात है, तू परेशान लग रही है? भाभी, शायद मिली को ये बात पता चल गई है कि उसे गोद लिया गया है। मिली अपनी बातों को ज्यादा देर नहीं छुपा सकती। तुझे कुछ गलतफहमी हुई है, उसे कुछ पता नहीं चला होगा। तुम ना मिली को सब कुछ सच सच बता दो, और अगर तुम्हें बताते हुए डर लगता है तो मैं बता देती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, ये सब इतना आसान नहीं है, और अगर ये बात मिली को पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? मेरा ख्याल है कि मिली को ये बात बता देनी चाहिए, मगर उससे पहले समीर से बात करनी होगी। मम्मी, मिली, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं मामी। मामी, मम्मी क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ बेटा। बेटा, आरती तुम्हें जितना प्यार करती है ना, इतना तो किसी की सगी माँ भी नहीं करती। मतलब तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तुम्हारी सारी बातें मानती है। चलो जल्दी जाओ, जाके पिज्जा ऑर्डर करो। हाँ। अंतरा, कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो ना? कुछ तो बोल। यहाँ कुछ नहीं बोलती, और स्टेज पर तू तो रॉक स्टार है यार, मुझे भी कुछ सिखा दे ना। सिखाएगी ना? हाँ। पता है तुम्हें अंतरा, जैसे मामा तुम्हें गाते हुए देखकर खुश हुए थे, वैसे ही मैं भी अपने पापा को खुश देखना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? सब मम्मी पापा एक जैसे नहीं होते, तुम कितना भी कर लो उन्हें खुशी नहीं होती, जैसे कि मेरी मम्मी। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं है। अगर मैं कुछ कर दिखाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। समीर, ये फाइल चाहिए थी ना तुम्हें, इसमें हमारे सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स हैं, मोस्टली कॉर्पोरेट्स जिनके साथ हम लोग डील करते हैं। थैंक्स। क्या बात है भाई, आज भी घर देर से जाने का इरादा है? कहाँ? मिली की बर्थडे की नाराजगी अब तक चल रही? जब तक उसके दिमाग में 10 तरह के सवाल चलते रहेंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस उम्र में बच्चे सवाल करते हैं, अभिषेक भी करता है। इन सवाल से भागो मत, इनके जवाब दो। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें मिली को अब सब सच पता देना चाहिए। ये आरती की प्रॉब्लम है, वो उसे लाई थी और वो इसे सॉल्व करेगी। आरती अकेली कुछ नहीं कर सकती समीर, तुम्हें उसका साथ देना होगा। मैं जितनी कोशिश। आदित्य, क्या हुआ?